हेलो स्टूडेंट्स, मैं उसिलकेश मैडम, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक डिज़ाइन, इंट्रोडक्शन। अब ये नंबर सिस्टम होता क्या है, नंबर सिस्टम मतलब क्या, डेफिनेशन देखते हैं। अ सिस्टम दैट इज़ यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग नंबर्स, जो कि हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से वो हम देखेंगे। द बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन इज़ द बेस और रेडिक्स। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम बेस या तो रेडिक्स कहते हैं नंबर सिस्टम में। बेस और रेडिक्स इज़ अ टोटल नंबर ऑफ सिम्बल्स दैट इज़ यूज टू डिनोट दी नंबर्स इन द नंबर सिस्टम। तो इसमें हम लोग नंबर्स को डिनोट किस तरह से करते हैं। डिजिट वैल्यू इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग डिजिट, इंडेक्स और बेस। अब हम देखते हैं नंबर सिस्टम में हमारे पास ये चार नंबर सिस्टम है, जैसे कि है बाइनरी। बाइनरी जो रिप्रेजेंट करता है ज़ीरो या तो वन को, ऑक्टल जो रिप्रेजेंट करता है ज़ीरो से सेवन, डेसिमल नंबर ज़ीरो टू नाइन, और हेक्साडेसिमल जो रिप्रेजेंट करता है ज़ीरो टू नाइन और ए टू एफ से। पहले देखते हैं बाइनरी। बाइनरी मतलब क्या, बाइनरी मतलब दो, दो मतलब इट इज़ रिप्रेजेंटिंग ज़ीरो और वन। ओके, जिसका बेस होता है टू। तो ये एक एग्जांपल दिया है वन 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 ज़ीरो या तो वन ज़ीरो वन वन, इस तरह से हमारा बाइनरी नंबर आता है। मतलब ज़ीरो या वन का इस्तेमाल करके हमारा बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट होता है। एप्लीकेशंस, ये कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, डिजिटल डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर्स, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स और सिक्वेंशियल सर्किट्स, इसमें ये यूज़ होता है। अब हम देखते हैं कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। अभी हमको ये नंबर कन्वर्ट करना है, जो नंबर दिया है 1011, इसको हमें बाइनरी टू डेसिमल, ये बाइनरी नंबर है जिसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में रिप्रेजेंट करने के लिए टू हमारा बेस है, तो इसीलिए हमने दिया है वन मल्टीप्लाई बाय टू रेस टू थ्री, इस क्योंकि ये फोर नंबर्स है, प्लस ज़ीरो इंटू टू रेस टू टू, प्लस वन इंटू टू रेस टू वन, प्लस वन इंटू टू रेस टू ज़ीरो। तो टू रेस टू थ्री मतलब एट, यहाँ पर आता है ज़ीरो, प्लस टू प्लस वन, मतलब ये हमारा डेसिमल में आ गया नंबर 11। तो 1011 को डेसिमल में रिप्रेजेंट करते ही 11, जिसका बेस आता है 10 और इसका बेस आता है 2। इस तरह से हमने देखा है कि बाइनरी को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। अब बात करते हैं ऑक्टल। ऑक्टल मतलब क्या, 8। इसका इसीलिए बेस है 8। ये यूज़ करता है 0 to 7 नंबर्स, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एग्जाम्पल इसका है 1028 और इसका बेस है ऑक्टल 8। ये कन्वर्ट करता है डेसिमल टू ऑक्टल। अभी हमारा नंबर दिया है 145, तो इसको ये डेसिमल नंबर को हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से करेंगे हम, 1 into 8 raised to 2, क्योंकि ये तीन नंबर्स हैं, प्लस 4 into, ये जो सेकेंड नंबर है 4 into 8 raised to 1, थर्ड नंबर 5 into 8 raised to 0, जो आता है 8 8 जा 64, 4 into 8 32, प्लस 5। तो इसका हमने किया है 101 में ये ऑक्टल नंबर रिप्रेजेंट होता है। तो हमने देखा किस तरह से, आप कोई भी नंबर एग्जांपल ट्राई करके देख सकते हैं किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करके, सेम मेथड यूज़ करके। नेक्स्ट देखते हैं हम डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर मतलब जो हम लोग यूज़ करते हैं, जिसे हम डेसिमल नंबर बोलते हैं, जिसका रेडिक्स होता है 10। 0 to 9 नंबर्स है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, अभी ये नंबर है, हमको चेक करना है कि ये डेसिमल नंबर है क्या। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, मतलब 1324 नंबर है, इस हम लोग चेक कर रहे हैं, ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में आता है। तो 1 into 10 raised to 3, प्लस 3 into 10 raised to 2, प्लस 2 into 10 raised to 1, प्लस 4 into 10 raised to 0। तो 1 into 1000, प्लस 3 into 100, प्लस 2 into 10, प्लस 4 into 1, तो होता है 1000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 4, जो आता है 1324, मतलब जो हमने इनपुट दिया था 1324। तो सेम हमारा 1324 हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है क्या, यस इट इज़ डेसिमल नंबर सिस्टम। अब बात करते हैं हेक्साडेसिमल की। हेक्साडेसिमल मतलब नंबर आता है 16, इसका बेस 16 है। इट यूजेस सिंबल्स लाइक 0 to 9 और ए टू एफ। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और उसके बाद इंस्टेड ऑफ 10 हम लोग लेते हैं ए बी सी डी ई और एफ। तो इसीलिए हम लोग ए इक्वल्स टू 10, मतलब ए को रिप्रेजेंट करना है तो
10 को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग ए यूज़ करते हैं, बी मतलब 11, सी मतलब 12, डी मतलब 13, ई मतलब 14 और एफ मतलब 50। इसका एप्लीकेशन है कहाँ पर इसे इस्तेमाल होता है, ये तो है माइक्रोप्रोसेसर या तो माइक्रो कंट्रोलर्स। अब बात करते हैं कन्वर्जन हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो हेक्साडेसिमल में एग्जांपल है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है 1BE, तो 1 × 16 raised to 2, क्योंकि हमारा बेस है 16, तो 1 × 16 raised to 2 प्लस B × 16 raised to 1 प्लस E × 16 raised to 0। तो इसको हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 1 × 256 16 स्क्वायर प्लस बी की जगह हम लोग डालेंगे 11, ये हमने 11 डाल दिया, तो 11 × 16 प्लस 14 × 16 मतलब ई की वैल्यू है 14, तो 14 × 16 इसका टोटल आता है 256 प्लस 176 प्लस 224 जो आता है 656 टू द बेस 10। तो इस तरह से हमने कन्वर्ट किया है हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर में। अब देखते हैं कन्वर्जन टेबल। कन्वर्जन टेबल हमने यहाँ पर दिया है डेसिमल नंबर सिस्टम, जो हमने रिप्रेजेंट किया है 0 से 15, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। बाइनरी नंबर में आता है 0 से 15 हमने रिप्रेजेंट किया है 4 डिजिट में, 0000 0001 0010 0111 0111 0111 1100 1001 1001 1111 1101 1111 1111 1110 1111 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
बाइनरी नंबर सिस्टम। अब इसको ऑक्टल में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हम देख सकते हैं 0 to 7 मतलब ये 8 नंबर्स हुए, और उसके बाद हम लोग लेते हैं 10 से लेकर 17 तक। फिर डेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग लेते हैं 0 से लेकर 9 तक, और उसके बाद ए से लेकर एफ तक। तो आज हमने देखा है नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर सिस्टम्स हैं और उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका बेस कौन सा है। तो ये आप एग्जांपल ज़रूर ट्राई करके देखिए। तो अब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।